हे गाइस, वेलकम टू ऑनलाइन moneyline.com, ऑनेस्ट लॉजिकल एंड अपडेटेड ऑनलाइन अर्निंग इन्फॉर्मेशन। तो गाइस, आज हम आपके पास लेके आए हैं डूडल मेकर ऐप का रिव्यू, द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ डूडल मेकर ऐप। तो गाइस, सबसे पहले डूडल मेकर ऐप एक ऐसी ऐप है जिसके ज़रिए आप एनिमेटेड वीडियो बनाना आपके लिए बहुत ही आसान है। अगर आप एनिमेटेड वीडियो बनाना चाहते हैं, व्हाइट बोर्ड एनिमेशन बनाना चाहते हैं, ब्लैक बोर्ड एनिमेशन बनाना चाहते हैं, तो बहुत ही आसान तरीके से आप इसके साथ अपने वीडियो बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा डूडल मेकर ऐप में, जो सबसे पहली चीज़ ट्रेनिंग का इसमें ऑप्शन है, जो बहुत ही अच्छा मुझे लगा। अगर आपको डूडल मेकर ऐप के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है, तो आप इसमें से चलाने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इसमें से वीडियो फॉर्म में आपको इसके ट्यूटोरियल मिल जाते हैं, जो बहुत ही आसानी से समझने में के लिए बहुत आसान है। तो सेकेंडली, जब आप एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, एक वीडियो बनाना चाहते हैं, तो सिंपली प्रोजेक्ट क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं, तो आपको 3 टेम्पलेट्स मिल जाती हैं। जैसे कि मैंने बताया कि बहुत ही आसान तरीका है इसमें वीडियो बनाने का, 3 टेम्पलेट्स आपको मिलती हैं। यूज़र रेडीमेड जो पहले से तैयार शुदा टेम्पलेट्स आपको मिल जाते हैं। अगर आप अपना स्केच बनाना चाहते हैं, तो आप उसमें बना सकते हैं। आई वीडियो, अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए आप इसमें से वीडियो बनाना चाहते हैं, तो वो भी आप बना सकते हैं। रेडी जो टेम्पलेट्स आपको मिलती हैं, वाइट बोर्ड में, ग्लास बोर्ड में, ब्लैक बोर्ड में मिल जाती हैं, जो बहुत सारी वीडियोज़ यहाँ पे पड़ी हैं। आप अपनी कैटेगरी के लिहाज से इसमें से चूज़ कर सकते हैं, और जिनमें से अभी एक मैं चूज़ करता हूँ यहाँ पे अलार्म इंस्टॉलेशन की। तो आपको इसमें कोई एफर्ट नहीं करना पड़ती, कोई आपको टाइम नहीं लगता, बहुत ही आसानी के साथ आप इसको एक 5 स्लाइड्स पे मौजूद आपको टेम्पलेट मिल जाती है। तो बहुत ही आसान तरीका है, इसमें आप अपना वॉइस ओवर ऐड कर सकते हैं, आप लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं, इसमें डिफरेंट लैंग्वेज आपको मिल जाती हैं। आप इस टेम्पलेट का भी हम प्रीव्यू लेते हैं, तो आपको मैं दिखाता हूँ कि बहुत ही आसानी के साथ आपने एक बहुत ही उम्दा किस्म की, आपने यानी कि एक स्लाइड ऑटोमेटिकली तरीके से पहले से तैयारशुदा आपको मिल जाती है। इसमें से कोई भी आपने अगर जो आइकन है आपने डेल करना है या ऐड करना है, वो आसानी के साथ आप इसमें ऐड कर सकते हैं और डेल कर सकते हैं। तो जो आइकन्स की लाइब्रेरी में एक ऑप्शन मैं अभी आपको दिखाऊंगा पिक्साबे का, जो बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे शायद नेट स्लो होने की वजह से या किस वजह से ये यहाँ पे प्रीव्यू में बहुत देर करता है, प्रीव्यू करने में थोड़ा सा टाइम ये ज़्यादा लेता है। सो हियर इज़ द प्रीव्यू, बहुत ही सॉफ्टली और बहुत प्यारे तरीके से इसने इस स्लाइड को प्रीव्यू में दिखाया है। तो आप इसमें से हैंड राइटिंग की स्पीड भी चेंज कर सकते हैं, हैंड ड्राइंग या हैंड पेंटिंग, आप इसमें से हैंड ड्राइंग का ऑप्शन इसमें सिर्फ आ रहा है। तो डिफरेंट फोटोज़ ऐसी हैं जिसमें हैंड पेंटिंग का ऑप्शन आता है। तो सेकंड नंबर पे स्टार्ट फॉर्म स्केच, अगर आप अपना स्केच बनाना चाहते हैं, तो आप ऑन सिंपल क्लिक क्लिक करने पर आप इसको स्केच अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप इसमें स्केच बना सकते हैं। टाइटल देंगे आप यहाँ पर, कोई सा भी टाइटल दे सकते हैं। स्लाइड्स, इसमें एक स्लाइड फ़िलहाल ऐड है, आप इसमें कितनी भी स्लाइड्स ऐड कर सकते हैं। और स्लाइड्स में अगर आपको आपका स्क्रिप्ट है, उसमें से आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो लाइक अ कार फ्लाई, तो उसके रिलेटेड आपके स्क्रिप्ट के रिलेटेड वहाँ पे एनिमेशन में आइकन्स आ जाएंगे। तो हियर इज़ अ सेटिंग, आपको साउंड ट्रैक अगर आपने सेलेक्ट करना है, यहाँ से कुछ सेलेक्ट कर सकते हैं, लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। आप इंग्लिश में यहाँ पे लिख दें तो स्पेनिश में ट्रांसलेट करना चाह रहे हैं, उर्दू में, हिंदी में, किसी भी लैंग्वेज में अगर आप इसको ट्रांसलेट करना चाहते हैं, तो ऑटोमेटिकली तरीके से ट्रांसलेट हो जाती है। बहुत ही अच्छा इसका एक स्टेप है। तो बैकग्राउंड कलर आपको ब्लैक चाहिए, वाइट चाहिए, ग्लास चाहिए, कस्टम कलर या कोई अपनी फ़ोटो आप ऐड करना चाहते हैं, तो आप इजीली इसमें ऐड कर सकते हैं। आइकन्स आपको ब्लैक एंड वाइट चाहिए, कलर चाहिए या मिक्स्ड चाहिए, जिसका तरह भी चाहिए आप ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हैंड की आपको वैरायटी मिल जाती है, डिफरेंट हैंड्स मिल जाते हैं, आप जो भी हैंड आपने सेलेक्ट करना है इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं, और सिंपली सेव पे क्लिक करेंगे तो आपकी वो फाइल क्रिएट हो जाएगी। तो गाइस, जैसे कि मैंने कार और फ्लाई लिखा, तो यहाँ पे फर्स्ट स्लाइड में हमारे पास 4 स्लाइड्स मैंने ऐड की थी। फर्स्ट स्लाइड में कार आ गई हमारे पास, सेकेंड में यहाँ पर फ्लाई लिखा था मैंने। तो लेट्स सी, ऑटोमेटिक तरीके से देखिएगा इसने एक प्लेन जनरेट कर दिया हुआ है यहाँ पे। सो थर्ड में हमने कुछ नहीं लिखा यहाँ पे, अभी आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के लिए यहाँ पे आपको लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, लाइब्रेरी में जा सकते हैं, यहाँ पे आपको आइकन्स बहुत तरह की वैरायटी मिल जाएगी, लेकिन इनफ इतनी ज़्यादा भी नहीं है,
बिकॉज मैं कुछ आइकन्स सर्च किए थे जो मुझे अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं मिले। आइकन फाइंडर में भी मिल जाते हैं आपको, पिक्सब एक ऑप्शन जो मैंने आपको बोला कि बहुत सी आपको यहाँ पे फ़ोटोज़ मिल जाती हैं जो आप अपनी लाइब्रेरी में ऐड कर सकते हैं। तो अपलोड खुद अपने आप, आपके पास अगर कोई फ़ोटो है नेट से आप पिक करते हैं या अपनी आपकी कोई फ़ोटो है तो उसको भी ऐड कर सकते हो। आप बैकग्राउंड इसका बहुत ही आसानी के साथ आपको रिमूव कर सकते हैं, जो बहुत ही अच्छा स्टेप है एक डूडल मेकर ऐप का। सो हियर्स द वीडियो फोटो, तो अगर इसका बैकग्राउंड हम रिमूव करते हैं, सिंपली बैकग्राउंड रिमूव पे क्लिक करते हैं तो इसका बैकग्राउंड ऑटोमेटिकली तरीके से आपका बैकग्राउंड डेल हो सकता हो जाएगा। ये देखिएगा बहुत आसानी के साथ, इसमें हमें कोई एफर्ट ही नहीं करना पड़ी। तो हियर्स द सेकंड ऑप्शन, आपको इसमें हैंड पेंटिंग का स्टेप इशू साइन मिलेगा, आपको हैंड ड्राइंग का साइन नहीं मिलेगा। हैंड पेंटिंग आप मैं दिखा देता हूँ कि वो सिंपली इस तरह से हैंड को पेंटिंग की तरह से यूज़ करेगा। आप इसको स्पीड यहाँ से आप ज़्यादा और कम कर सकते हैं, इसके राउंड एज कर सकते हैं और ट्रांसपेरेंसी आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपको कम इसकी ट्रांसपेरेंसी चाहिए तो कम कर सकते हैं या ज़्यादा चाहिए। साउंड ट्रैक्स के मतलब अगर बात करें तो साउंड ट्रैक इसमें आप ऐड कर सकते हैं। इसमें साउंड्स में आप इसमें ऑटोमेटिक वॉइस जनरेट कर सकते हैं और अपनी आवाज़ अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक 5 MB से ज़्यादा आप इसमें अपलोड नहीं कर सकते, और इसमें जो फाइल से पिक करता है वो OGG फाइल को ये सपोर्ट करता है। अपनी आवाज़ रिकॉर्ड कर सकते हैं यहाँ पे, और सेम सेटिंग जो हमने पहले की हैंड्स को वहाँ से भी चेंज किया जा सकता है, यहाँ पे भी यही इन्होंने इनके एक दिया हुआ है अपना ऑप्शन, यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं सेटिंग। अगेन अगर सेटिंग करना चाहते हैं, टाइटल चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप टाइटल को भी चेंज कर सकते हैं। तो फीडबैक इनका बहुत अच्छा है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है आप इनसे कॉन्टैक्ट करते हैं तो फीडबैक ये बहुत यानी कि फास्ट देते हैं और आपको तसल्ली बख्श जवाब दिया जाता है इस पे से। तो जो कॉन्स इसके मैंने आपको बताया कि एक तो 5 MB से ज़्यादा आप इसमें अपलोड नहीं कर सकते और OGG फाइल सपोर्ट करता है। सेकेंडली कुछ फ़ोटोज़ या पिक्चर्स या यहाँ पे अभी मुझे एक गर्ल यार सो हियर इज़ अ फोटो ऑफ अ गर्ल। तो फेड इन हैंड ड्राइंग का ऑप्शन आ रहा है इसमें। कुछ फ़ोटोज़ इसमें आपके ऐसी आ जाती हैं जो आइकन फाइंडर है और यहाँ पे भी मिलेंगी आपको, जिसमें नो आइकन। सो हेज वुमेन पे कोई आइकन इनके नहीं आ रहा, तो यहाँ पे सर्च करते हैं हम। सो लेट्स सी सर्चिंग, तो डिफरेंट फ़ोटोज़ ऐसी हैं जिनमें यानी कि मैंने सर्च करने के बाद उस पर मुझे कोई वुमेन हेज द वुमेन कोई भी एक सिलेक्ट कर लेते हैं हम इसमें से। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ कि एक प्रोजेक्ट मैं कंप्लीट कर रहा था पहले, जिसमें ये प्रोजेक्ट्स न्यू कंपनी स्टोरी फाइनल स्टोरी पे, तो इसमें एक ये देखिएगा यहाँ पे हैंड पेंटिंग का सिर्फ ऑप्शन आ रहा है। जो कलर्ड फोटो में हैंड पेंटिंग का सिर्फ आ रहा है ऑप्शन, हमें हैंड ड्राइंग का ऑप्शन नहीं मिलता। हैंड पेंटिंग और हैंड ड्राइंग में डिफरेंस आपको मैं इसका प्रीव्यू करके दिखा देता हूँ। जबकि पहले मैं आपको बताया कि हैंड पेंटिंग में वो सिर्फ एक हाथ के ज़रिए ड्रॉ कर देते हैं, जबकि वो पेंट कर देता है, ड्रॉ नहीं करता उसको। तो हेयर इज़ द फेड इन ऑप्शन, तो इसको हम चेंज करते हैं, ये हैंड पेंटिंग कर रहा है यहाँ पे। हैंड ड्राइंग यहाँ पे इस फोटो में हैंड ड्राइंग का ये ऑप्शन दे रहा है। तो जो फोटोज़ मैं खुद ऐड कर रहा हूँ इसमें या पिक्सा बेस उठा रहा हूँ उसको सिर्फ हैंड पेंटिंग करता है, हैंड ड्राइंग नहीं कर सकता, जो कि एक प्रॉब्लम मेरे ख्याल से। मुझे हैंड ड्राइंग की जगह पे हैंड पेंटिंग की जगह पे हैंड ड्राइंग चाहिए होती है, तो उन लोगों के लिए थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। बाकी ओवरऑल अगर सॉफ्टवेयर को देखा जाए तो बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है, आपको बहुत ही आसानी के साथ कोई भी वीडियो आप इसमें बना सकते हैं। आइकन्स की इसमें थोड़ी सी वैरायटी कम है जो मुझे फील हुई, जो हैंड जब जैसे मैंने आपको बताया कि हैंड ड्राइंग का जो ऑप्शंस हैं, जो ड्राइंग्स हैं, जो आइकन्स हैं, वो बहुत कम इसमें हैं। लेकिन पिक्साबे पे अगर आप सर्च करते हैं तो आपको बहुत से ऑप्शंस ऐसे मिल जाते हैं। फिर भी सो ये हैंड ड्राइंग है, ये हैंड पेंटिंग। सो मुझे अगर ये इसके कलर्ड फ़ोटो को भी या पिक्साबे की फ़ोटोज़ को भी या अपनी अपलोडेड फ़ोटोज़ को भी
हैंड ड्राइंग चाहिए तो वो मुझे इसमें नहीं मिलती। सो नेक्स्ट वीडियो क्रिएट करते हैं हम वीडियो इंटेलिजेंस वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वीडियो। आप यूट्यूब की कोई भी वीडियो पिक करके उस पे से आप इसको यानी कि वीडियो बना सकते हैं उस पे, जो बहुत ही एक आसान तरीका है। सिंपली प्रोजेक्ट का नाम लिखें और वीडियो कोई से भी वीडियो इसमें यूट्यूब की वीडियो का लिंक करें और उसको गेट यूट्यूब वीडियो पे क्लिक करें तो आपका ऑटोमेटिकली इसे वो जो आवाज़ उसमें रिकॉर्ड होगी उसकी स्लाइड्स बन जाएंगी। तो 7 स्लाइड्स बनी है यहाँ पे, मैं इसको सेव कर देता हूँ तो नॉट इनफ लेकिन कुछ हद तक ठीक है। ये स्लाइड्स में ऑटोमेटिकली तरीके से इसने कुछ आइकन्स मुझे प्रोवाइड किए हैं जो यानी कि रिलेटेड थे उस वॉइस के, उस स्क्रिप्ट के रिलेटेड थे, लेकिन एक हद तक ये प्रोवाइड कर सकता है। इंटेलिजेंस इतना स्ट्रांग नहीं है कि आपको एग्जैक्टली या राउंड अबाउट अगर मैं इसको मार्क्स दूँ तो 20 मार्क्स आउट ऑफ 100 यानी कि ये हमें प्रोवाइड कर देता है। तो हियर इज डूडल मेकर ऐप गाइज, ही इज़ अ नाइस ऐप। अगर आपको कुछ छोटा मोटा प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है तो बहुत ही आसानी के साथ आप इसमें से प्रोजेक्ट आप कंप्लीट कर सकते हैं। सिर्फ प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि आप यानी कि इसमें एक फ़ोटोज़ को ऐड करेंगे तो आप अपनी फ़ोटोज़ को इसमें से ऐड कर लेंगे। वेयर इज़ माय प्रोजेक्ट्स, सो इज़ आर प्रोजेक्ट्स। तो गाइज एक बहुत ही आला सॉफ्टवेयर है ये, अगर मैं आपको ओवरऑल इसका बताना चाहूँ तो। आप इसमें से बहुत से फ़ोटोज़ आइकन्स ट्रांसलेशन मिल जाती है आपको, इसमें ऑटोमेटिकली जनरेट वॉइसेस मिल जाती हैं आपको वाइट बोर्ड एनिमेशन में, ब्लैक बोर्ड एनिमेशन में। तो ओवरऑल अगर मैं कहना चाहूँ तो बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है, लेकिन एक छोटे सॉफ्टवेयर के मतलब मैं इसको बोलूँगा कि राउंड फिगर का या दरमियाने लेवल का सॉफ्टवेयर अगर मैं बोलूँ तो आप इसको एज अ आप अपनी वीडियो एनिमेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज नेक्स्ट अगर आपको किसी भी ऐप का रिव्यू चाहिए या किसी भी ऐप के बारे में अगर जानना चाहते हैं या किसी भी टूल के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। हॉनेस्ट रिव्यू जो भी प्रोज एंड कॉन्स उसके होंगे। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि डूडल मेकर ऐप में अगर आपको वॉइस के रिलेटेड चाहिए तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अपलोड वॉइस जब आप करते हैं इसमें तो 5 MB से ज़्यादा इसमें नहीं होती। तो अगर आप फ़ोटोज़ की बात करते हैं लैंग्वेज चेंज की तो बहुत ही आला किस्म का यानी कि बहुत ही अच्छी किस्म का इसका एक स्ट्रॉन्ग इंजन है यहाँ पे कि आप इसमें वॉइसेस डिफरेंट वॉइसेस ले सकते हैं, डिफरेंट ट्रांसलेशन ले सकते हैं, डिफरेंट वॉइसेस का ट्रांसलेशन ले सकते हैं। इसके अलावा आपको ऑटोमेटिक तरीके से यहाँ पे टेम्पलेट्स बनी बनाई मिल जाती हैं। उसके अलावा आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इसको आप यानी कि यूज़ कर सकते हैं, आप किसी भी वीडियो का स्क्रिप्ट ले सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा है। अगर आपको किसी और एप्लीकेशन के बारे में या किसी टूल के बारे में रिव्यू चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और वेबसाइट पे ज़रूर विज़िट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें गाइस। किसी भी ऐप का आपको रिव्यू चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें तो मैं आपको उसका हॉनेस्ट और लॉजिकल रिव्यू इंशाल्लाह आपको पोस्ट करके बना के पोस्ट कर दूँगा।